अभी धारीवाल जी ने भाषण दिया और मैं समझता हूँ बहुत अति कामयाब भाषण था, क्योंकि विपक्ष सिर्फ एक बार ही खड़ा होकर उनका विरोध उन्होंने किया, क्योंकि धारीवाल जी में वो क्षमता है कि वो चाहें तो हर 5 मिनट में विपक्ष को खड़ा कर सकते हैं, और ये उनकी कार्यकुशलता का एक छोटा सा उदाहरण है कि उन्होंने कैसे सारी बात को आज अपने रखा। इसलिए आज संविधान ने जो बुनियाद हमारी रखी है उसमें जो छूट हर नागरिक को दी है, बोलने की, विचार रखने की, धर्म की, खाने की, रहन सहन की, ये छूट हम जब इस देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम अपना अधिकार मानकर समझते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर हर छोटी कामयाबी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मत का अधिकार हमको है, बोलने का अधिकार हमको है, विरोध करने का अधिकार हमको है, हम किसी की पूजा करें, किसी का आलोचना करें, कानून के दायरे में हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना अधिकार हमको दिया है, संविधान ने दिया है। ये संविधान आज हम इसको याद इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो नौजवान तबका इस देश का है, शायद वो जानता नहीं है कितनी कुर्बानियां दी उन लोगों ने जिन्होंने संविधान को लिखा। नाना प्रकार की विचारधाराओं पृष्ठभूमि से लोग निकलकर आगे आए, अपने आपसी मतभेद साइड में रखकर एक ऐसा संविधान बनाया जो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन सब देशों के संविधानों के जो सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद थे, जो सबसे बढ़िया उसमें लिखा हुआ था, उसका समावेश कर संविधान बना है। लेकिन यह बात भी सच है कि संविधान में लगातार तब्दीली हुई है, लगभग 100 बार इस संविधान में संशोधन हुआ है, और यही संविधान की बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि उसकी मूल भावना वैसी स्थापित है, लेकिन समय के साथ साथ समाज में बदलाव जब आ रहा है तो पार्लियामेंट के माध्यम से कई बार इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन के बारे में 73वां अमेंडमेंट हुआ, पंचायती राज को मजबूत किया गया, इस देश में पहली बार हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान में लगातार जो संशोधन हुए हैं उससे मैं समझता हूं हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है।